हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव हूँ और अगेन मैं आपको स्वागत करता हूँ। अभी मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे और ये जो पीछे ट्रेन खड़ी है यहाँ से दिल्ली निकल रहा हूँ। हाँ, एक और नई ट्रिप स्टार्ट हो रही है, तो बस ट्रेन जल्दी जल्दी चलने वाली है। मैं कल का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, हैक्टिक नहीं बोलेंगे, कल मेरे फ्रेंड की शादी थी तो मैं बारात में गया था। पहले रात को 2 बजे वहाँ से आया, 2 घंटे की नींद ली, 4 बजे जागा, फिर नहाया धोया और 5 बजे बाइक से सुबह सुबह ठंड में एक फ्रेंड को उठाया, देन ट्रेन में पकड़ पाया हूँ। सो इतने मेहनत के बाद एक बिग समसप तो बनता है और बस ट्रेन निकलने का टाइम हो गया है, इसी का वेट कर रहा हूँ। मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ, सीट में प्रॉब्लम हो गई है, सीट की खिड़की बंद नहीं हो रही है और हवा बहुत शानदार आने वाली है, क्योंकि खिड़की बंद नहीं होगी तो हवा तो ऑब्वियसली बातें आएगी। सो यार, दिस इज़ द स्टोरी टिल 6 o'clock और बस आगे का सफ़र जारी करना है, ट्रेन चालू होने वाली है। सक्सेस। अभी तो केवल दिल्ली तक पहुंचना है, फिर उसके बाद जो भी जर्नी है मेरी वो कंटिन्यू रहेगी आगे, और वो मैं आपको दिल्ली पहुँच के बताऊँगा कि मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी तो जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था अपने फ्रेंड आस्तु, उसके घर वहाँ पहुँचना है मेरे को दोपहर तक, फिर उसके बाद शाम को हम लोग कहीं और निकलेंगे वहाँ से। तो बस वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि फिर हम लोग आगे कहाँ बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मयूर का एक्सक्लूसिव चैनल एम्पियन राइडर एंड ब्लॉग। और ट्रेन ने रवानगी के लिए अपना हॉर्न दे दिया है, बस कुछ ही पलों में ये अपने निर्धारित टाइम से ही चलेगी। ऑन टाइम ट्रेन है, मैं लकी हूँ कि मैं बिल्कुल पहुँच पाया टाइम पे। तो बस कभी भी ट्रेन चल सकती है, ऑन हो गया है, तो या गुड टू गो राइट नाउ और आगे भी अच्छा ही हो आई होप। सो राइट नाउ इट्स 8:20 इन द मॉर्निंग, ऑब्वियसली मॉर्निंग ही है और मैं बहुत स्लीपी हूँ, बहुत ही नींद आ रही है मेरे को, क्योंकि मैंने केवल 2 घंटे की नींद ली है पूरे रास्ते में। और ट्रेन पहुँच चुकी है आगरा, आगरा का पेठा बहुत फेमस है बट मैं पेठा नहीं खाता हूँ। और बस सफ़र बहुत स्मूथ जा रहा है, मैं सोते हुए जा रहा हूँ बट अपने बैग का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है ट्रेन में कब ऐसे गायब कर लेते हैं लोग सामान, पता भी नहीं चलता, तो उसको भी पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। और बाकी सब ठीक, सो फार सो गुड। आगरा पहुंच चुके हैं, बस 11:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और बस उसके बाद अपनी अगली डेस्टिनेशन। आई लव ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, और प्लेन का टिकट मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, दैट्स वाई मैं ट्रेन से ही सफ़र करता हूँ और बहुत मज़ा आता है ट्रेन में। सस्ती आ रही थोड़ी सी बट मज़ा भी बहुत आ रहा है, सर्दी हो गई है अब तो बहुत ज़्यादा, और जहाँ जब पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ तो भाई साहब सर्दी का मतलब नेक्स्ट लेवल सर्दी होने वाली है। तो मेरे जो बैग में गर्म कपड़े ज़्यादा हैं और जीन्स वीन्स तो एक आधी है, गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो या अब वहाँ की सर्दी देखते हैं हम कैसे फेस करेंगे। बस आई होप कि इतनी ज़्यादा ना हो कि मेरी बैंड बच जाए। अब बस ट्रेन निकलने का टाइम हो गया है, मज़ा आ रहा है। राइट नाउ आई एम इन द मॉर्निंग और अब नींद थोड़ी पूरी हो चुकी है, क्योंकि ट्रेन में अच्छा खासा सो लिया हूँ मैं। बस उसके बाद अगला स्टॉपेज दिल्ली और बस ट्रेन चलने वाली है। जस्ट अभी उठा मैं और प्रेफरेंस फील कर रहा हूँ, फरीदाबाद स्टेशन पे हूँ मैं अभी राइट नाउ, बस निकलने वाली ट्रेन, सो फार सो गुड। राइट नाउ आई एम एट दिलवालों के शहर दिल्ली, मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, अब बस यहाँ से आशुतोष के रूम पे जाना है, उसी का वेट कर रहा हूँ, या तो वो लेने आएगा या फिर मैं अपने आप जाऊँगा। तो या सो फार सो गुड, जैसे पहुँच गया, नींद भी बढ़िया हो गई, अब बढ़िया फ्रेश फील कर रहा हूँ।
तो फाइनली मैं कापासरा बॉर्डर मतलब जहाँ पे आशुतोष रहता है वहाँ पहुँच गया हूँ। क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन हो गया, मैं गलत बस में चढ़ गया। मेरे को 5:43 में चढ़ना था, मैं 5:34 में चढ़ गया और आगे चली गई बस। जब मैंने उनसे पूछा ये कहाँ जाएगी, तो उन्होंने बोला ये आप गलत बस में आ गए हो भैया, उतरो। फिर इस चक्कर में मैं अपने शेड्यूल टाइम से समथिंग आधा घंटा लेट चल रहा हूँ बस। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा उसके रूम पे। वैसे सोफ़ा सो गुड सब कुछ है, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और बस बिल्कुल पैक थी, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी उसमें। बस पहुँच गए सही सलामत। सो फाइनली आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन। अभी जस्ट रूम के बाहर हूँ, सामान पीछे रखा हुआ है। आज तो सभी आ रहा है, जस्ट बाहर गया हुआ है और उसका रूममेट भी नहीं है, सो मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ रूम के। मतलब फाइनली पहुँच गया मैं रूम पे, 3rd फ्लोर। बहुत ऊपर है यार ये रूम, बहुत ज़्यादा ऊपर है और लगेज के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर लगता है। कंधे जवाब दे गए मेरे। अभी आ गया लोकल मार्केट, थोड़ा सा बाहर घूमने मेरे साथ है और खड़े हैं मोमोज दिल्ली के मोमोज। दिल्ली की सर्दी, दोनों ही चरम पे हैं दोनों। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है रूम छोड़ के दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो ये ब्लॉग थोड़ी देर में एंड करना पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों ब्लॉग मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। वो ब्लॉग अलग रहेगा, ये वीडियो यहीं पर एंड कर देंगे, यहीं पर या फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा। तक के लिए सो फार सो गुड। सो वी आर लिविंग आर रूम्स। आशुतोष और नंदु नीचे चले गए हैं और मैं अभी नीचे आ गया हूँ। बड़े बड़े बैग्स हैं सबके पास, ये जा रहे हैं और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय। जय हिंद।